Let's take one more example. Question says, find maximum value of r belonging to natural number such that ten factorial divided by two raised to power r is an इंटीजर ये ठीक है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर सच दैट टेन फैक्टुअल डिवाइड बाई टू रेस्ट पार आर एज एन इंटीजर ये क्वेश्चन है ठीक है ठीक है हमने आंसर क्या दिया टेन फैक्टुअल कितना है वन इंटू टू इन टू थ्री इंटू फोर एंडस ऑन अपल लास्ट में कितना गया टेन होल डिवाइडेड बाई टू रेस्ट पार ये इंटीजियर होना चाहिए ठीक है उसका मतलब क्या है कि टू रिस्ट बार कैंसिल हो जाना चाहिए तभी इंटीजर बनेगा अगर मान लिया आर का मैंने वन, वैल्यू मैंने वन लिया तो ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएगा तो आर इज इक्व टू वन चलेगा ठीक है बट इसने तो मैक्सिमम बोला है आर इज इक्व टू वन इज वन ऑफ द सोल्यूशन इट इज़ नॉट द रिक्वायर्ड सल्यूशन क्योंकि इसने बोला कि मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकते हैं आर का अगर मैंने आर का वैल्यू टू लिया तो दिस विल बिकम फोर तो ये फोर कैंसिल हो जाएगा मतलब दो भी चलेगा फिर अगर मैंने तीन लिया तो डिनोमीटर विल गेट एट तो ये टू और ये फोर मिलके के एट हो जाएगा एक और अगर मैंने मान लिया फोर लिया तो डिनोमिनेटर विल बिकम सिक्सटीन सिक्सटीन में ये टू ये फोर और एक टेन में से हम टू निकाल सकते हैं एक ये ठीक है तो वो मिलके सिक्सटीन हो गया तो सिक्सटीन भी कैंसिल हो जाएगा ये ठीक है फिर अगर मैंने आर की जगह फाइव लिया तो वो भी चलेगा क्योंकि एक सिक्स और आएगा इसमें वहाँ से भी दो निकल आएगा ठीक है तो ऐसे करने की बजाय हमने उल्टा देखा कि जो वन से टेन तक का प्रोडक्ट है उसमें दो का नेट कितना पावर आ रहा है ठीक है मतलब क्या है हमने ऐसे लिखा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन एट नाइन टेन ऐसे लिखा तो एक्सपोनेंट ऑफ टू इसमें से कितना निकाल सकते हैं वन इसमें से कितना निकाल सकते हैं टू छः में से कितना निकाल सकते हैं सिक्स इज नथिंग बट टू इंटू थ्री तो कितनी बार टू आए एक बार तो यहां से भी दो, दो जो है वो एक बार निकाल सकते हैं यहां से थ्री टाइम्स निकाल सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू लिखा हुआ है टेन से भी टू टाइम निकाल सकते हैं तो अगर मैंने इनको जोड़ दिया ऐसे करके तो नेट टू कितनी बार आ गया तो वन टू थ्री फोर सेवन एंड टू नाइन इसका मतलब क्या है कि वेन वी आर राइटिंग डाउन टेन फैक्टोरियल इसका जब वैल्यू लिखेंगे तो उसमें जो ये टू है विच इज ए प्राइम नंबर दैट विल अकर नाइन टाइम्स तो इसका जो भी वैल्यू आएगा उसको मैं प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करूं तो दो की पावर कितना आ जाएगा नौ no. ठीक है अब अगर कोई मेरे से पूछे कि तीन की पावर कितना आ जाएगा तो वो भी ऐसे मैनुअली काउंट कर सकते हैं इसमें तीन कितनी बार आएगा एक बार इसमें तीन कितना आएगा कितनी बार आएगा एक बार तो एक और एक दो हो गया इसमें तीन कितनी बार आएगा दो बार तो टू थ्री फोर तो कितना कितनी बार आ गया टाइम्स फिर ये मतलब इस क्वेश्चन के लिए तो केवल ये रिक्वायर्ड है बाकी रिक्वायर्ड नहीं है वो तो मैं ऐसे समझाने के लिए लिख रहा हूं टू आ गया थ्री आ गया फिर मैं फोर तो नहीं बोलूंगा बिकॉज फोर इज नॉट ए प्राइम प्राइम फैक्टर में जब लिखते हैं और मान लिया फोर लिखा हो तो उसको तो हम टू स्क्वायर करके दो में मिला दिया उसको तो तो अब नेक्स्ट प्राइम क्या आएगा फाइव तो अब हमने देखा फाइव का पावर कितनी मराएगा तो इसकी वजह से फाइव कितनी मार आएगा एक बार फिर और किसी में फाइव आएगा एक इसमें फाइव आएगा तो नेट फाइव कितनी मराया दो बार फाइव के बाद नेक्स्ट प्राइम कितना आएगा सेवन तो इन टू सेवन डेज टू बार कितनी बार सेवन आएगा केवल सेवन में ही सेवन आएगा और कहीं सेवन आएगा ही नहीं क्योंकि सेवन का जो नेक्स्ट मल्टीपल है वो तो 14 होगा तो सेवन एक ही बार होगा तो टेन फैक्टोरियल को अगर मेरे को क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स में लिखना है तो वो ऐसे लिखा जाएगा ठीक है तो अब इस क्वेश्चन पे लौट आते हैं इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला कि इस आर का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता हो सकता है तो अब इसके हिसाब से अगर मैं आर का वैल्यू बढ़ाता रहूँ तीन चार पाँच छः सब चलेगा ठीक है मैक्सिमम जब हमने नौ लिया तो भी चल जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में टू रिस्ट व नाइन है तो टू रेस्ट वन नाइन कैंसिल हो जाएगा अगर मैंने आर वैल्यू टेन लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा तब क्या अगर टू रेस्ट वाइन तो कैंसिल हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एक टू बच जाएगा ठीक है तो फिर ये वाला जो क्वान्टिटी है वो एक इंटीजर तो नहीं हो पाएगा तो फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर कितना हो गया कि आर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना हो गया ये ठीक है दैट इज नाइन ये हमारा आंसर हो ठीक है